सो गुड मॉर्निंग गाइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास बताइए किस राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव बनाया तो आंसर होगा पंजाब ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू कहां से होती है तो आंसर होगा पूरी उड़ीसा से बताइए सिक्किम का राज्य मछली किसे बनाया गया केटली को अबे अरुणाचल प्रदेश का राज्य तितली किसे बनाया गया था केसर ए हिंद को और अरुणाचल प्रदेश के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है तो संजय दत्त बने थे और उत्तराखंड के बने थे निकोबार और पहला गांव कौन सा बना था जम्मू कश्मीर का व्यान गांव पहला जिला बना था हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला और पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नाम की बुक को लिखा किसने वी स्वामी ने और पीवी सिंधु ये हमारी शटलर है अभी आपको याद होगा इन्हें 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया था बताइए वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है मोन्ट्रियाल कैनेडा में है और इसके अध्यक्ष कौन है क्रेग रेडी आपको याद होगा दिसंबर में वाडा के डोप उल्लंघनकर्ताओं की, की सूची आई थी जिसमें भारत तीसरे स्थान पे था पहले पे तो रशिया था दूसरे पे इटली था और तीसरे पे भारत था और एक नाडा भी होता है भारत में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा तो वर्ल्ड वाइड होता है नाडा होता है हमारे देश में जिसके डायरेक्टर जनरल बने थे अभी सिद्धार्थ लोंग जाम और इसने भारतीय खिलाड़ियों के लिए नाडा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था हुडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने कौन आदित्य अशोक ये कौन है ये गोल्फर हैं इनका खेल क्या है गोल्फर है और अभी हुडई मोटर इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे अंशु किम इसका हेडक्वार्टर है सियोल साउथ कोरिया भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तेईस दिसंबर को मनाते हैं क्योंकि भारत के पांचवे जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी उनकी जयंती होती है और इनकी समाधि पूछें तो क्या कहते हैं इनकी समाधि को किसान घाट और किसानों से एक इम्पॉर्टेंट योजना भी याद रखो प्रधानमंत्री किसान योजना जो कि शुरू हुई थी चौबीस फरवरी दो को कहाँ से गोरखपुर यूपी से इसमें दो दो हजार रुपये करके साल में तीन किस्त दी जाती है और यहाँ पे किसान योजना में किसान मतलब हो गया कृषक सम्मान निधि योजना बताइए किस नदी पर उड़ीसा का सबसे लंबा पुल बना है तो आंसर होगा महानदी पर नाम क्या है उसका टी सेतु क्योंकि टी आकार का बना है और लंबाई है थ्री पॉइंट फोर किलोमीटर और अगर आपसे पूछे भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है वो भूपेन हजारी का है ब्रिज जिसको बोलते हैं इसकी लंबा पॉइंट फिफ्टीन किलोमीटर और ये किस नदी पे है लोहित नदी पे है यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है और अगर आपसे पूछ ले कि रेलवे बताओ किस राज्य में सबसे ऊंचा पुल बना रहा है तो आंसर होगा मणिपुर में और हाँ गाइज अन्य आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की तो आज ही सब्सक्राइब करें अन प्लस और पाए अंकुश लांबा आशीष अरोड़ा निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स इ की प्लेटफॉर्म पर देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मिल जाएंगे और जितने भी बैचेस हैं हैं जितने भी भी कोर्सेज उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट मिलेंगे तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी और हाँ बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाए तो करना क्या है बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अन प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा कौन सा क्रेक एग्जाम टेन क्योंकि इसे यूज करते ही आपको टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी फीस कम हो जाएगी तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं अभी हम बढ़ते हैं आगे बताइए वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है एक जून को थीम थी सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर वर्ल्ड बाइसिकल डे कब होता है ये होता है तीन जून को और फिर है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ये पांच जून को होता है और इसकी थीम थी री इमेजिन री क्रिएटरी स्टोर होस्ट कंट्री था पाकिस्तान वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सात जून को होता है हिंदी में बोलेंगे तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस थीम क्या थी सेफ फूड टू फॉर अ हेल्दी टूमोर और वर्ल्ड फूड डे सोलह अक्टूबर को होता है जबकि नेशनल फूड डे होता है चौबीस अक्टूबर को वर्ल्ड ओशियन डे कब होता है विश्व महासागर दिवस आठ जून को और आठ जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी होता है थीम क्या थी वर्ल्ड ओशियन डे की द दिन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स बताइए वर्ल्ड मेरी डे विश्व समुद्र दिवस कब होता है सितंबर के आखिरी गुरुवार को होता है 2021 में यह 30 सितंबर को रहा और नेशनल मेरी डे पूछेंगे तो पांच अप्रैल को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब होता है नौ जून को थीम क्या थी एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगला है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यह 12 जनवरी को होता है इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब होता है तो तेरह जून को होता है इंग्लिश में बोलेंगे आप तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे थीम क्या है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स अगला है विश्व रक्तदान दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये होता है चौदह जून को तो अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिविजन करेंगे और हाँ का आगे बढ़ने से पहले मैं बता दू जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था इस साल से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियोस भी आप लोगों को मिला करेंगे तो अभी जनवरी मंथ आपका निकला है मैंने मंथ वाइज टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स बनाने की कोशिश की है दो वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं जैसे कि जनवरी में जो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थी उसका और जनवरी में जो भी चीजें पहली बार हुई है करंट अफेयर्स में वर्ल्ड हो गया चाहे इंडिया हो गया जहां पर भी पहली बार जो चीजें हुई हैं कि पहली बार ये हुआ पहली बार वो हुआ उसका वीडियो बनाया है और सबसे अच्छी बात है इनका क्विज ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको क्विज भी बना करके अपलोड कर दिया तो अगर वो नहीं देखा तो चेक कर लीजिएगा उसे देख लीजिएगा और मेहनत अच्छी लगती है सीरीज अच्छी लगी है सबसे बड़ी बात तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कर देना सपोर्ट का मतलब है इसे अपने दोस्तों के साथ में यारों के साथ में शेयर जरूर करना अभी हम बढ़ते आगे अच्छा बताइए द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड ये आत्मकथा है किसकी अरूप राय चौधरी की ये एनटीपीसी के पूर्व अध्यक्ष है अच्छा बताइए एन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और अभी एनसीआर के भी नए अध्यक्ष बने हैं उनका भी नाम बताइए अगला है किसे ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा विरल देसाई को किस राज्य सरकार ने नदी उत्सव शुरू किया तो आंसर होगा गुजरात ने किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को जीत लिया तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके और अगर पूछे कि विजय हजारे ट्रॉफी दो हजार जो कि पिछले साल स्टार्टिंग में हुआ था उसको मुंबई ने जीता था यूपी को हरा के अगला है कश्मीर क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल्ड लैंड ये बुक किसने लिखी है निर्मल चंद्र विज ने अगला है किसने सुशीला देवी पुरस्कार दो जीता अनुकृति उपाध्याय ने इनकी बुक किंसुगी के लिए और उपाध्याय से एक नाम याद आएगा आपको अलका उपाध्याय ये भी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी थी और अलका उपाध्याय से याद आएगा अलका मित्तल एन की पहली महिला अध्यक्ष बनी फिर बताइए किसे इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया ऑटोमोबाइल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है पेरिस फ्रांस में है और फ्रांस के हैं आपके डेविड डायोप जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था इनके नॉवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए जबकि बुकर प्राइज किसने जीता था डेमन गलगुट ने ये साउथ अफ्रीका के हैं इनकी नोवेल का नाम था द प्रोमस फिर बताओ ग्यारहवीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किसने जीता यूपी ने जीता चंडीगढ़ को हरा के और विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया तो आंसर होगा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किस किस भारतीय मूल के व्यक्ति को साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर चुना गया था डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को बताइए द मोदी गैम्बिट रिकॉर्डिंग मोदी 2.0 नाम की बुक को किसने लिखा संजू वर्मा ने असम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी वॉयलेट बरुआ और असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बजी थी अजंता नियोग किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अवार्ड जीता तो आंसर होगा एच बैंक ने बताइए ग्लिम्पसेस ऑफ अ पायनियर लाइफ जर्नी नाम की बुक को किसने लिखा वी एल इंदिरा दत्त ने नया डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे बनाया गया विक्रम मिश्री को और वैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है अजय डोभाल है सेबी ने किसे म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियमित किया तो आंसर होगा आरती कृष्णा ने सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष है अजय त्यागी अब बताइए सेबर सेबर होता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च इसका हेडक्वार्टर मिलेगा यूके में तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बन जाएगा दो तक किसे पेटा इंडिया की दो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया आलिया भट्ट को पेटा इसका मतलब होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मीनदम मंज पाई योजना शुरू की तो आंसर होगा तमिलनाडु और चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दो गोल्ड पदक जीते किसने नीतिश कुमार ने तो अब कल के करंट अफेयर्स का हम लोग करेंगे फिर बताइए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम की बुक को लिखा भी नवदीप सिंह गिल ने भारत सरकार ने किसे लेखा महानिदेशक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया तो आंसर होगा सोनाली सिंह को जबकि केक कौन है हमारे यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स तो ये बने हैं सोनाली सिंह और याद रखना हमारे केग सी ए जी कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू है बताइए किसे इंडिगो एयरलाइन का एमडी नियुक्त किया गया राहुल भाटिया को ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 लड़कियों का एकल खिताब सिंगल टाइटल जीता समायरा पवार ने पुरुषों का जीता था शंकर मुथुसामी ने बताइए के निर्देशक बन गए डायरेक्टर बन गए दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीआर मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फिर बताइए गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया उत्तर प्रदेश यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया एम जगदीश कुमार को यूजीसी मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द इमोर्टल किंग राव नाम की बुक को लिखा रोहिणी राव ने बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गई कौन दिशा पटानी और रमेश देव का निधन हो गया ये अभिनेता थे तो गाइज ये था आपका आज का रिविजन वाला सेशन फिर से बता दूँ टॉपिक वाइज वीडियोज अपलोड हो रहे हैं उन्हें अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए ताकि बाकी की वीडियोज भी जल्दी जल्दी आपको मिल सकें थैंक यू गाइज